नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिग बॉस की फेमस कंटेस्टेंट अर्चना गौतम अपने बयानों के लिए बहुत फेमस है। बिग बॉस के घर में भी वो अपनी हर बात बेबाकी से रखती है। हालांकि उनका ये अंदाज किसी को पसंद आता है तो किसी को उनका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि कभी कभी अर्चना कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाती है। खैर, अब फिनाले भी करीब है, इसलिए हर तरफ लोग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद रवि किशन भी अर्चना के सपोर्ट में आए हैं। लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहा है। अब क्यों इस पर सवाल उठ रहा है, चलिए आपको भी बता। बिग बॉस की कंटेस्टेंट अर्चना गौतम कांग्रेस नेता भी है। इसके अलावा वो कोई मामूली नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की खास भी रही है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि अर्चना ने चुनाव के वक्त पीएम मोदी और सीएम योगी को गुंडा बताया था। उस वक्त इस पर बहुत बवाल हुआ था, इसलिए उनका ये बयान आज तक कोई नहीं भूल पाया है। और अब सीएम योगी और मोदी पर सवाल उठाने वाली अर्चना का जब रवि किशन ने सपोर्ट कर दिया है तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सीएम योगी के काफी करीब भी माने जाते हैं रवि किशन, और बीजेपी का एक बड़ा चेहरा भी है। हालांकि रवि किशन ने अर्चना को सपोर्ट किसी राजनीति के नजरिए से नहीं किया, बल्कि एक कलाकार के रूप में किया है, क्योंकि रवि किशन नेता होने के साथ साथ कलाकार भी, और अर्चना भी एक कलाकार है। इसके अलावा एक कहानी भी बहुत पुरानी इन दोनों के बीच की, जिसके बारे में खुद रवि किशन ने बताया है। दरअसल रवि किशन ने एक वीडियो को पोस्ट किया, वो वीडियो काफी साल पुराना लग रहा है। वीडियो एक शो का है जिसमें रवि किशन जज है और अर्चना वहां ऑडिशन देने आई है, और अर्चना खुद को रवि किशन का फैन भी बता रही थी। इसी पुरानी वीडियो को पोस्ट करते हुए रवि किशन ने लिखा है, वाह ये तो मुझे खुद याद नहीं था, अर्चना की स्ट्रगल से बिग बॉस का सफर शानदार, जय। तो यहां रवि किशन ने अर्चना की तारीफ कर दी है और उनके स्ट्रगल को भी याद करवाया है। लेकिन शायद रवि किशन को ये मालूम नहीं था कि अर्चना वही एक्ट्रेस है जिन्होंने एक वक्त में मोदी योगी पर बयान दे दिया था। खैर, अब बात की जाए अर्चना गौतम की, तो अर्चना जिस वक्त कांग्रेस में सक्रिय थी उस वक्त उन्हें बिकनी गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। उस वक्त प्रियंका गांधी ने अर्चना का बहुत साथ दिया था। इसके अलावा 2022 हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी भी बनाई गई थी अर्चना गौतम। उसी दौरान अर्चना गौतम ने फेसबुक पर लाइव आकर पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया था। अर्चना ने कहा था, मुझे विधानसभा के लोग कहते थे कि ये लड़की कैसे दरोगा या अन्य से काम कराएगी, अब मैं भी गुंडी बनूंगी जिससे विधानसभा में रह रहे लोगों के काम करा सकूं, जैसे अन्य सांसद मोदी योगी भी गुंडों की तरह काम करते हैं। हालांकि ये बयान देकर वो चर्चा में तो आई थी, लेकिन उन्हें इसके बावजूद करारी हार मिली थी, जहां उन्हें मात्र 1500 वोट मिले थे। बता दें, बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी दिनेश खटीक, सपा के योगेश वर्मा और बसपा के संजीव कुमार से था। हस्तिनापुर में भाजपा के विधायक दिनेश खटीक ने जीत हासिल की थी। तो फिलहाल रवि किशन ने जिस तरह से अर्चना गौतम का सपोर्ट किया है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।